नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सुप्रीम कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर हुई सुनवाई। किसान के ट्रैक्टर परेड को लेकर सीजीआई ने कहा, दिल्ली में कौन एंट्री करेगा कौन नहीं ये पुलिस तय करे। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से सवाल करते हुए पूछा, आप क्यों चाहते हैं कोर्ट से आदेश मिले? दिल्ली में एंट्री कानून व्यवस्था का मामला है, दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रास्ता दे दिया है, किसानों के लिए धनास का रूट तय कर दिया गया है, किसान चंडीगढ़ के बाहर के रास्ते से जाएंगे। इससे पहले किसानों के ट्रैक्टर परेड को देखते हुए चंडीगढ़ में पुलिस ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रास्ता देते हुए धनास का रूट तय किया है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी की कार्यप्रणाली को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने उठाए सवाल। सियासी जोड़तोड़ के चलते किसान संयुक्त मोर्चा ने बनाई चंडूनी से दूरी। गुरनाम सिंह की राजनीतिक गतिविधियों के चलते किसान संयुक्त मोर्चा चंडूनी से नाराज। के चलते किसान संयुक्त मोर्चा ने कार्रवाई करते हुए चंडूनी को किसान मोर्चा कमेटी और सरकार से बात करने वाली कमेटी से किया वाह। गुरनाम सिंह चंडूनी पर आरोप, उन्होंने किसान मोर्चा की अनुमति के बिना 22 और 23 जनवरी को किसान संसद का किया आयोजन, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया। गुरनाम सिंह चंडूनी के मामले पर हरियाणा के किसान संगठनों ने चंडूनी के खिलाफ जताई निराशा। भारतीय किसान यूनियन के नेता अतर सिंह संधू ने कहा, गुरनाम सिंह चंडूनी ने हरियाणा को कलंकित करने का किया काम। अतर सिंह ने कहा, चंडूनी का इतिहास पहले भी ऐसा ही कलंकित रहा है। चंडूनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामले रह चुके हैं, इसमें सजा भी हुई। चंडूनी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अतर सिंह ने कहा कि सभी किसान संगठन एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक लड़ाई चलेगी। भले ही चंडूनी ने इस तरह की हरकत करी हो, लेकिन हरियाणा का किसान फिर भी अपनी लड़ाई देश के साथ मिलकर लड़ता रहेगा। जींद में किसान आंदोलन में फंडिंग के मामले में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, इसमें उचाना हल्के समेत गांव के किसान शामिल हुए। इस किसान महापंचायत में किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड को लेकर के लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा, सरकार किसानों के चंदे को फंडिंग का नाम दे रही है। किसानों का कहना है कि वो ना तो उग्रवादी है ना ही खालिस्तानी, अगर एनआईए किसानों को गिरफ्तार करती है तो उनका विरोध किया जाएगा। जींद में महिला किसान दिवस पर एक महिला डॉक्टर की दरिया दिली देखने को मिली है, जहां पर महिला डॉक्टर ने अपना क्लिनिक छोड़कर हाईवे पर ओपन क्लिनिक लगाया, इसमें किसानों का फ्री में इलाज किया गया। महिला डॉक्टर ने बताया है कि वो निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज करती थी। महिला डॉक्टर का यह भी कहना है कि उनकी रगों में किसान का खून है, इसलिए वो किसानों की सेवा कर रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान में हजारों पशुओं को लेकर बहादुरगढ़ की ओर से एक चरवाहा निकल चुका है। लोहारू से होकर गुजरा पशुओं का यह काफिला दिल्ली पहुंचेगा। कैथल में सीवन और उसके आसपास के गांव में लोगों ने 3 कृषि कानून के विरोध में अनाज मंडी से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को सरकार के समानांतर होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है। इनलो की ट्रैक्टर यात्रा गोहाना पहुंची, जहां यात्रा के दौरान इनलो नेता कर्ण चौटाला ने कहा, उनकी ट्रैक्टर यात्रा को हर गांव से और किसानों का समर्थन मिल रहा है। उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर हर गांव में तैयार रहते हैं, यात्रा हर गांव के लोग इसमें शामिल। कर्ण चौटाला ने यह भी कहा, यह यात्रा न केवल उनकी यात्रा है बल्कि पूरे देश की यात्रा है। 26 जनवरी को परेड को लेकर नौजवान लगातार आगे आ रहे हैं, युवा 24 और 25 तारीख तक बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान और जवान मोदी सरकार के लिए भगवान है और अपने भगवान के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरान पतला के गांव चांदावली में 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए अस्पताल और पार्क का किया उद्घाटन। उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पतला विधायक नयन पाल रावत मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना काल में विकास कार्यों पर रोक लग गई थी, लेकिन अब दोबारा से विकास काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने 54 साल के कार्यकाल में न तो किसानों का भला कर पाई न ही गरीबों का। विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तमाम विरोधी दल हताश हैं, अब यह किसान के नाम पर फिर से जमीन को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मंसूबों में यह कभी कामयाब नहीं होंगे। इंद्री के गांव गढ़ी गुजरात में मृतक किसान के परिवार को सांत्वना देने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके घर पहुंचे। किसान आंदोलन में हिस्सा लेकर लौटते समय किसान की मौत हो गई थी। कैथल में किसानों को ही दिल्ली कूच को लेकर की मीटिंग हुई। मीटिंग में जिले भर के किसानों ने हिस्सा लिया और फैसला किया कि हर परिवार से एक सदस्य दिल्ली कूच करेगा।
चरखी दादरी में किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ शुरू। इसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान पहुंचे। मार्च में खाप और कर्मचारी संगठन भी हुए शामिल। तीनों कृषि कानून रद्द करने के साथ एमएसपी की गारंटी देने, बिजली संशोधन 2020 वापस लिए जाने को लेकर किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पूर्व बीएसएफ जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े तेज बहादुर पलवल के अटोहा चौक पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आज जो सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, वो सरकार चीन के रहमो करम पर सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री संतरी जो बयान देते घूमते हैं, किसान आंदोलन को विदेशी फंडिंग से फलीभूत किया जा रहा। उन मंत्रियों में से स्पष्ट तौर से मैं ये पूछता हूं कि जब चुनाव था उस समय भाजपा ने विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया।